दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल प्रोफाइल लॉक के बारे में। जैसे ही दोस्तों गूगल क्रोम को आप ओपन करते हैं, एक गूगल प्रोफाइल लॉक का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। बेसिकली ये एक एक्सटेंशन के हेल्प से प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। चलिए हम लोग गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही गूगल क्रोम प्रॉपरली लोड लिया, देखिए यहाँ पर आ गया ब्राउज़र लॉक्ड का एक ऑप्शन। आप यहाँ पर अगर डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड ट्राई करते हैं तो आपका प्रोफाइल अनलॉक नहीं होगा, जबकि इनकॉग्निटो में ओपन हो जाएगा। तो हमें प्रॉपर दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉक पीडब्ल्यू को रिमूव करने के लिए तीन अलग अलग मेथड को अप्लाई करेंगे। इसमें पहला मेथड दोस्तों होगा गूगल क्रोम को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर देंगे तो हमारा ये पासवर्ड प्रोटेक्शन हट जाएगा। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, कंट्रोल पैनल में जाना होगा। कंट्रोल पैनल में दोस्तों प्रोग्राम एंड फीचर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से प्रोग्राम एंड फीचर को ओपन करेंगे और गूगल क्रोम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिंपली अनइंस्टॉल कर लेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा से इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारा लॉग पीडब्ल्यू का प्रोटेक्शन हट जाएगा। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं दोस्तों। दूसरे मेथड में क्या होगा, अगर आपको पासवर्ड पता होगा तो आप इसके एक्सटेंशन को ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं, 1 2 3। देखिए हमारा ब्राउजर ओपन हो गया। अब अगर हम लोग लॉग पीडब्ल्यू को रिमूव करना है तो सिंपली मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए मोर टूल्स शो कर रहा है। मोर टूल्स के अंदर मिल जाएगा आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन, एक्सटेंशन को ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड होंगे, जैसे देखिए हमारा लॉक पी डब्ल्यू करके एक प्रोटेक्शन है, इससे हम लोग ब्राउजर को लॉक करते हैं। ब्राउजर के अंदर जो आपका प्रोफाइल है उसे लॉक करते हैं। सिंपली आप यहाँ से इसे ऑफ करके डिजेबल कर सकते हैं या परमानेंटली इस एक्सटेंशन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो हमें अभी रिमूव नहीं करना है। हम लोग तीसरे मेथड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको पासवर्ड पता हो या ना हो, फिर भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं और अपने प्रोफाइल को लॉगिन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों प्रॉफिट ये होगा कि आपका जो भी मेल आईडी लॉगिन होगा वो लॉग आउट नहीं होगा और आपका ब्राउजर लॉक प्रोटेक्शन देता है, ऑटोमेटिक रिमूव ही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए दोस्तों एक ऑलरेडी ब्लॉग बना के रखे हैं, इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों। वहाँ से आप डायरेक्ट ब्राउज करके इस पेज पे आ सकते हैं। तो इसमें देखिए अलग अलग मेथड से इसे रिमूव करने के लिए बताया गया है। तो सबसे लास्ट वाले मेथड पे चलते हैं, मेथड नंबर 3 में। देखिए दोस्तों क्या करना है, जो भी अपना गूगल क्रोम का टैग खुला है सभी को क्लोज कर लेना है और फिर विंडो आर प्रेस करना है। उसके बाद हमें ऐप डाटा टाइप करके ओके प्रेस करना है। इतना करने के बाद दोस्तों फिर फाइनली इस लोकेशन को कॉपी कर लेते हैं, इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे ऐप डाटा के बाद इस लोकेशन को पेस्ट कर देना है। तो कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद दोस्तों हम लोग इसे क्लोज कर देते हैं। अब अगर हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं, देखिए पासवर्ड अभी भी मांग रहा है, तो इसी को रिमूव करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना था, यहाँ पर विंडो आर प्रेस करना है और टाइप करना है ऐप डाटा। देखिए ऐप डाटा पहले टाइप और ओके करते हैं। देखिए ऐप डाटा के लोकेशन बाय डिफॉल्ट लोकेशन पे ऑटोमेटिक खुल गया। यहाँ पर जो आप यू एड्रेस कॉपी किए थे
उसे पेस्ट कर देना है। देखिए हम सेम टू सेम वैसे ही पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद इंटरप्रेस करना है सिंपली, जहाँ पर गूगल क्रोम का सोर्स फाइल, गूगल क्रोम के एक्सटेंशन का सोर्स फाइल इंस्टॉल हुआ होगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आपका कई प्रोफाइल है तो अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएगा, कई फोल्डर, तो हमें अभी एक प्रोफाइल है तो इसके लिए एक ही देखने को मिल रहा है, तो हमें राइट क्लिक करना है सिंपली और इसे डिलीट कर देना है, ऐसे करना है। देखिए ये एक्सटेंशन जो था डिलीट हो चुका है। अब हम दोबारा से गूगल क्रोम को अगर ओपन करते हैं तो हमें पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं होगा, ऑटोमेटिक हमारा ब्राउज़र खुल जाएगा। साथ ही आपका जो पहले से मेल आईडी लॉगिन होगा वो लॉगिन रहेगा बाय डिफॉल्ट। देखिए इसे हमारा यहाँ पर मेल आईडी अब पहले से लॉगिन है तो खुल गया। अब एक चीज़ और करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे हमें जाना होगा मोर ऑप्शन में और मोर टूल्स एक्सटेंशन, यहाँ से इसे सिंपली रिमूव कर देना है ताकि इशू ना आए। ओके अब देखिए दोबारा से हम लोग ओपन करेंगे तो हमें पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमारा प्रोफाइल अनलॉक हो चुका है प्रॉपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि और भी इसी तरह का कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।